हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और ये देखिए, ये व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दिख रही है हमें सतलुज, और सतलुज के उधर पार साइड को है डिस्ट्रिक्ट मंडी, और जहाँ मैं खड़ी हूँ इधर साइड को है डिस्ट्रिक्ट शिमला, और ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो तीन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इकट्ठी है, और ये व्यू कैप्चर कर रही हूँ मैं अपने घर से 2 किलोमीटर इधर आके, क्योंकि आज हम जा रहे हैं छाकड़ी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे हिमाचल में पहाड़ी रोड कैसे हैं और कैसे हमारे प्लेन एरिया भी आता है। तो ये मेरे घर से मैं काफ़ी नीचे आ गई हूँ, और वो जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, वो जो ऊपर, वहाँ से आई मैं अभी। तो ये देखिए, इस तरह हमें पास देने के लिए जगह जगह रुकना पड़ता है, क्योंकि लिंक रोड है। तो ये बसें चलनी शुरू हो गई हैं। तो ये देखिए, रोड पक्के हैं, लेकिन वही बर्फ़ से, बारिश से रोड बीच बीच में ख़राब हो जाते हैं। तो रोड इतने ही चौड़े होते हैं, इससे ज़्यादा चौड़ा हमारा रोड नहीं होता है। तो ये वाला मोड़ तो बहुत ही ज़्यादा तीखा मोड़ है। ये देखिए, बहुत बड़े बड़े तीखे तीखे मोड़ होते हैं हमारे पहाड़ों में। और ये देखिए, ये हम पिथल पहुंचने वाले हैं, और ये पिथल से 1 किलोमीटर थोड़ा ही पहले ये चिलिंग, नहीं नहीं ये सी स्टोर है, कोल्ड स्टोर है ये। तो ये वीजा का कोल्ड स्टोर है, 2 कोल्ड स्टोर है, ये छोटा है, एक नीचे को बड़ा पिथल में कोल्ड स्टोर है। तो फ्रूट यहाँ पे, फ्रूट्स स्टोर किए जाते हैं यहाँ पे। तो पिथल में बहुत अच्छी बात ये हो गई है, क्योंकि हमारे सामने सामने ही पिथल काफ़ी फॉरवर्ड हो गया है। ये देखिए, ये मैं पिथल में पहुँच गई हूँ। इधर को परे को चिलिंग प्लांट है बहुत, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, पेट्रोल पंप वगैरह। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिल गया है लोकल। पहले यहाँ पे 1-2 खोखा ही होता था मेरे सामने सामने। तो यहाँ पे अब बहुत, मतलब कि फैल चुका है, बाज़ार बन चुका है। NGPC वालों का भी यहाँ पे ऑफिस है, मेरे हस्बैंड का भी यहाँ पे, LH वालों का भी यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम आने शुरू हो जाएंगे। तो पिथल के बाद ये देखिए, ये वाला जो आपको ग्रीन कलर की चादरों वाला जो शेल्टर दिख रहा है, ये भी सी स्टोर है। यहाँ पे भी पीछे को फ्रूट्स ही स्टोर किए जाते हैं, बहुत बड़ा है। तो लोगों को बहुत रोज़गार मिल गया है इस वजह से। तो यहाँ से आते आते देखिए, ये है हमारा पिथल। तो ये मेरे मायके की जो मेरी डोगरी है, वहाँ से पिथल बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, मतलब कि पैदल चलने के लिए काफ़ी नज़दीक है यहाँ के लिए। तो ये LHP वालों का ऑफिस है, मेरे हस्बैंड का भी हेड ऑफिस यही है। और ये देखिए, ये सतलुज है, और पिथल से आगे जब हम चलते हैं तो सतलुज हमारे साथ साथ चलती जाती है। और यहाँ पे कोटगढ़ वालों का फ्रूट्स का वो ट्रक यहाँ पे मुड़ रहा था, तो हम एक घड़ी रुक गए थे। और ये बस भी हमारे गांव जाती है, शाम की वाली प्रेम नगर बस। तो ये जिस जगह हम अभी पहुँचे हैं, यहाँ पे सिंगापुर बोलते हैं। तो मेरे मायके के लिए भी यहाँ से पैदल 5-10 मिनट का रास्ता ऊपर के लिए है, डोगरी के घर के लिए। और ये भैरा खड्ड, ऊपर से जो खड्ड आता है, तो ये यहाँ पे नीचे मिलता है। और यहाँ की एक ज़रूरी बात ये है कि ये कोटगढ़ की सीमा यहाँ पे बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पे हमने एंट्री, जैसे ही ब्रिज के ऊपर आते हैं तो ये रामपुर शहर में एंट्री हो जाती है। तो हमारी कोटगढ़ की सीमा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और ये यहाँ पे नीरथ का पुल, पढ़ाई का पुल बोलते हैं यहाँ पे, हमारे पुल को पुल बोलते हैं। तो ये वो वाली जगह है। तो यहाँ पे बहुत ही लंबा सा पुल है, लेकिन मुश्किल सा बहुत है जब इस पर चलते हैं। तो हम इस पर, मैं इसमें छोटे में भी बहुत गई हूँ, यहाँ से इस पुल पर पार होकर मेरी बुआ की शादी ऊपर निथर में हुई है, तो हम वहाँ के लिए जाते थे। अब तो खैर आनी होते हुए पैदल चले जाते, गाड़ी में चले जाते हैं, लेकिन उस टाइम पैदल भी जाते थे। तो ये इसके बाद हमारा दूसरा स्टेशन आ जाता है नीरथ। ये नीरथ मेन बाज़ार है। तो जब हम
छोटे छोटे होते थे तो अपनी दादी के साथ नीरत के लिए वहाँ से दोगरी वाले घर से पैदल आते थे, तो उतना ज़्यादा नहीं है अब के हिसाब से तो ज़्यादा लगता है क्योंकि अब चलने की आदत नहीं है। उस टाइम हम यहाँ के लिए आ जाते थे, यहाँ पे मिठाइयाँ बड़ी अच्छी अच्छी जलेबियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं और यहाँ पे ही अगली साइड को सूर्य मंदिर भी है। तो ये रोड जो यहाँ से ऊपर को कटा ये आगे देलठ ननकरी के लिए जाता है, तो हम तो सीधे ही अपने आगे वाले रोड में NH5 में आएंगे। और ये मछाटा खड्ड, यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे भंडारे बहुत होते थे तो लॉकडाउन की वजह से कोरोना की वजह से यहाँ पे भी आजकल शांति है। मछाटा खड्ड है ये, आगे एक दूसरा खड्ड आएगा वो पछाटा खड्ड है। तो हम पहुँच गए हैं इस टाइम भतराश। तो ये जगह मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती है, यहाँ बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल प्लेन सी जगह। और यहाँ पे सर्दियों में जो है ये हमारे इनको लो हाइट वाली जगह में धूप नहीं लगती है, लेकिन इस जगह पे सर्दियों में भी धूप लगती है। तो बहुत ही सीधी जगह है, आगे को सतलुज हमारे साथ साथ ही है, सतलुज कहीं नहीं जाएगी, सतलुज किन्नौर तक अब साथ साथ चलती जाती है, लेकिन गाड़ी से दिखती नहीं है क्योंकि पीछे को नीचे को है, बस से तो बिल्कुल अच्छी दिखती है। तो ये देखिए ये भतराश, और बहुत ही अच्छी जगह है ये भतराश, प्लेन सी, धूप भी यहाँ पे अच्छी आती है सर्दी में भी, क्योंकि रामपुर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे गर्मी तो बहुत होती है लेकिन सर्दी में वहाँ पे सर्दी कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाती है क्योंकि वहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती है। 12 बजे तक तो ऐसे लगता है बिल्कुल अंधेरा ही होगा। तो ये भतराश का पेट्रोल पम्प, यहाँ से मैक्सिमम हम मेट्रो पेट्रोल भरते हैं, लेकिन आज हमने मेरे हस्बैंड ने आते बारी भर लिया था तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। और ये दिख रहा है सामने तक नगर। तो मेरे बेटा यहाँ पे हमेशा बोलता है, तो हम उतरे कहीं नहीं, तो मेरा बेटा यहाँ पे बोलता है कि मम्मा यहाँ पे आयरलैंड है, तो यहाँ पे अगली साइड एक टापूसा बन जाता है, तो वो शुरू से ही जब भी आते जाते हैं इसको देख के यही बोलता है कि मम्मा ये एक आयरलैंड है। यहाँ पे सब कुछ दो भागों में बन जाती है और बीच में एक आयरलैंड सा बन जाता है। तो ये दत्तनगर, यहाँ से ये रास्ता हम नीचे को कॉलोनीज को जाता है, तो रामपुर हाइड्रो पावर वालों का NMJPC की ही ब्रांच है ये भी, यहाँ पे इनकी बहुत बड़ी कॉलोनीज है, तो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे जगह है, स्कूल भी खोले हैं। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ से नीचे गाड़ी मोड़ दी थी। और ये सतलुज के ऊपर यहाँ पे बहुत अच्छा पुल बनाया हुआ है, और यहाँ पे सतलुज है, मुझे सतलुज से बहुत ज़्यादा मतलब पानी से मुझे बहुत डर लगता है, यहाँ पे सतलुज भी बहुत ही बड़ी सी फैली फैली सी दिखती है तो मुझे डर लग रहा था यहाँ पे। तो ये देखिए कितना सुंदर सा पुल है ये। तो यहाँ से हम फिर पुल के बस अगली साइड से ही वापस आ जाएंगे। तो ये पुल के पारली साइड को डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, और ये देखिए ये यहाँ का महेश होटल, निरसु बोलते हैं यहाँ पे, और वो पार्को आर्मी कैंट। और ये यहाँ से नोगली शुरू हो जाता है, तो नोगली में सतलुज और जो रोड है बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल जब यहाँ पर साथ में बारिश होती है
तो सतलुज और ये रोड बिल्कुल साथ साथ आते हैं। तो एक बार 2000 में बाढ़ आई थी, तो ये रोड भी काफ़ी वो हो गया था, ख़राब हो गया था, आगे से ले गया था रोड भी, तो बहुत ही भयानक बाढ़ थी वो, मुझे भी याद आती है हल्की हल्की सी। तो जब वो बाढ़ आई थी तो ये रोड, ये देखिए ये वाला रोड बिल्कुल कट के निकल गया था। तो यहाँ पे सतलुज बहुत ही फैल जाती है, बहुत ही मतलब कि आकार में फैलती है, वो गहराई में उतनी रहती नहीं है। तो पानी, सतलुज वगैरह दूर से देखने में ही अच्छे लगते हैं, नज़दीक जाके मुझे तो बहुत ही डर लगता है। तो ये नोगली पुल, यहाँ पे इसके नीचे नोगली खड्ड बहती है, इसमें भी बहुत पानी होता है, इसके नीचे पता नहीं ये ऊपर साइड से पानी आता है कहीं से, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा, इस खड्ड के नीचे भी बहुत, इस पुल के नीचे भी बहुत ज़्यादा पानी जाता है। तो यहाँ पे ये है वज़ीर पावड़ी पुल, यहाँ से जो रोड नीचे को कटता है वो पार जाके निरमंड के लिए जाता है, तो ये रोड निरमंड के लिए जाता है। और हम जाएंगे सीधे आगे झाकड़ी के लिए, और ये देखिए ये है, यहाँ बोलते हैं डकोलर। तो ये शुरू समझो, अब यहाँ से रामपुर शुरू ही है, सिर्फ जगह के नाम में फ़र्क है। जैसा मैं पहले भी बोलते आई हूँ कि हमारे जो हैं, ये देखिए ये खोपड़ी मंदिर, यहाँ पे बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है और बहुत बड़ा मंदिर है। तो हमारे जगह के नाम थोड़ी थोड़ी स्पेस पे, हमारे क्या हर जगह ही बदल दिए जाते हैं। और ये मेन रामपुर में, और ये कोर्ट, पीछे को बॉयज़ स्कूल, आगे को गर्ल्स स्कूल, और फिर पुलिस स्टेशन, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो बिल्कुल ही शांति बसरी पड़ी है, क्योंकि ये संडे के दिन का है, संडे को हम आए थे। तो मैंने हल्का हल्का सा बीच बीच में मेन मेन में जहाँ बाज़ार में आती गई तो कैप्चर कर लिया था। तो हमारे घर से रामपुर तक 45 किलोमीटर होगा, तो 8 किलोमीटर झाकड़ी तक आगे, तो 45.5 इतना ही होगा, 50-53 के आसपास। तो ये देखिए यहाँ पे पहुँच गए हैं हम रामपुर बाज़ार में। यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत मंदिर है, और पीछे को यहाँ पे पहले पुराना बस स्टैंड हुआ करता था, और ये कॉलेज गेट। और ये कॉलेज ग्राउंड, और यहाँ पे ही अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला भी होता है, तो सड़कों में भी यहाँ बहुत भीड़ होती है उस टाइम। आजकल तो विश्वास ही नहीं होता कि ये वही रामपुर है, आगे पीछे भी यहाँ पे बहुत रश होता है। तो ये चूहा बाग है, ये सारा रामपुर ही है, तो यहाँ पे चूहा बाग बोलते हैं। यहाँ पे गाड़ियों की मरम्मत वगैरह वाली ज़्यादातर शॉप्स हैं। और यहाँ पे सर्दियों में बिल्कुल धूप नहीं आती है, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है ये, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडी जगह है ये। तो चूहा बाग में आगे जाके एक हॉस्पिटल है संजीवनी, वहाँ पे हुआ है मेरे बेटे का बर्थ। ये है वो हॉस्पिटल जहाँ पे लिखा भी है बाहर के संजीवनी, ये देखिए यहाँ मेरा बेटा इस दुनिया में पैदा हुआ था। तो यहाँ पे धूप लगती है, वैसे इस वाली साइड में धूप लग जाती है। और यहाँ पे एक और पुल, और ये यहाँ पे कृष्णा ऑटोमोबाइल, मारुति वालों का बहुत बड़ा। तो यहीं पे ही पॉल्यूशन वगैरह के ज़्यादातर गाड़ियों के काम वगैरह यही होते हैं। और ये हम खनेरी पहुँच गए हैं, यहाँ पे पहले बहुत सारे मेडिकल स्टोर है और आगे ये ढाबे बिल्कुल बंद, और यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल साथ में है, तो आजकल यहाँ पे भी बिल्कुल बंद। तो ये है यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, महात्मा गांधी मेडिकल।
और यहाँ से जब हम इसको क्रॉस करते तो इसके बाद झाकड़ी तक कोई घर कोई बाज़ार कुछ नहीं, सीधा ही रोड है। और ये देखिए रामपुर के बाद जो भी हमें रोड मतलब कि आते आते वाली ज़्यादातर रोड ऐसे ही हैं ऊपर के लिए, फिर थोड़े ढांक आने शुरू हो जाते हैं। तो ये पेशाड़ा खड्ड है, यहाँ पे ये वाला स्लाइड एरिया है और पीछे को बहुत ही ज़्यादा पत्थर गिरते पड़ते रहते हैं यहाँ से। तो एक बार भी यहाँ पे एक ऑटो के ऊपर एक पत्थर आ गया था, तो उस टाइम हम गानवी में होते थे, मेरे ससुर जी वहाँ पर जॉब करते थे, मेरे हस्बैंड झाकड़ी के लिए वहीं से ही आते थे। तो ये देखिए यहाँ से ऊपर से पत्थर गिरा था, ऑटो में बैठा था वो गानवी का ही आदमी था, बेचारा वहीं पे ही वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी उनकी। और ये देखिए बीच बीच में कितनी अच्छी जगह आती है और बीच बीच में बहुत ही मतलब कि डरावनी सी भयानक सी जगह। तो पहाड़ों में ऐसा ही होता है, करब होते हैं, जग मोड़ होते हैं, तीखे तीखे मोड़ होते हैं, पर हम लोगों को आदत होती है। तो पार्क को कुल्लू है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। और ये देखिए यहाँ से दिख गया है झाकड़ी। तो झाकड़ी का मैंने वो जो है वो वीडियो नहीं डाला है, सिर्फ यहीं तक जहाँ से झाकड़ी के आगे की थोड़ी सी क्लिप मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। तो यहाँ से आगे आप मेरे डेली व्लॉग्स ही देखने को मिलेंगे आपको। तो ये देखिए ये भी पीछे को स्लाइड एरिया है और ये प्रॉनी खड्ड, ये बहुत ही मतलब कि डेंजरस खड्ड है। यहाँ पे बरसात में तो ये हर दूसरे दिन बंद होता रहता है। तो आगे पीछे भी यहाँ पे रोड ऐसा ही है, तो पीछे से यहाँ पे पानी तो इस खड्ड में हमेशा ही रहता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डेंजरस जैसा खड्ड बन जाता है ये अपना बरसात में, तो ये काफ़ी बंद हो जाता है। तो ऊपर से यहाँ पे स्लाइड एरिया भी है, नीचे को भी यहाँ पे डेंजरस है, पार्क को यहाँ पे पत्थर गिरते पड़ते रहते हैं। तो शुरू शुरू में मुझे भी डर लगता था, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है यहाँ पे। तो हमारी साइड भी उतने ऐसे स्लाइड एरिया इतने हैं नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जितना हम ऊपर किन्नौर की तरफ जाते जाते हैं रोड उतने ही मतलब कि ख़राब ख़राब। तो क्या मतलब कि ये बारिश और ढांक स्लाइड होने की वजह से ऐसे होते जाते हैं। तो ये रहा मेरा कोटगढ़ टू रामपुर, मतलब झाकड़ी ही समझ लो। आपको जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब्स एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।